हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक ब्रिज रेक्टिफायर। बेसिकली ये एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब मैं इस ट्रांसफार्मर से इस 12 वोल्ट के मोटर को चलाने की कोशिश करता हूं, तब ये चलता नहीं है, वाइब्रेट करता है। इसी के लिए आज हम बनाएंगे ब्रिज रेक्टिफायर। देखिए, जितनी भी कोशिश कर लो ये ऐसे नहीं चलने वाला। इसके लिए हमें चाहिए, ये ब्रिज रेक्टिफायर का डायग्राम है, इसी को देख के हम बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहले हमें ऐसे डायोड चाहिए होंगे, मैं वैल्यू स्क्रीन पे दे दूंगा। जैसा मैंने रखा हुआ है वैसे ही जोड़ना है, माइनस को माइनस से और प्लस को प्लस से। देखिए, फिर जोड़ने के बाद हमें इनमें अलग अलग रंग के तार जोड़ लेने हैं। देखिए, इसमें ये जोड़ लेना और इस साइड को येल्लो। मैं सही से दिखा देता हूँ। देखिए, जैसा मैंने वीडियो में बताया है वैसे ही तार लगा लेना है आपको। और आपको चाहिए होगा एक कैपेसिटर, वैल्यू मैं अभी आपको स्क्रीन में दे दूँगा। आपको माइनस और प्लस देख के लगाना है। ये जो ब्लैक पट्टी है, ये जो आपको ब्लैक पट्टी दिख रही है वो है माइनस। हमें माइनस को लेफ्ट में, मतलब ब्लैक में लगाना है, और प्लस को लाल में लगाना है। तो मैं लगा लेता हूँ, मैंने लगा लिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रांसफार्मर से चला के। पहले ट्रांसफार्मर का जो आउटपुट है उसको हम इस रेक्टिफायर के इनपुट में देंगे। ये जो ग्रीन कलर और येलो कलर है ये इनका इनपुट है। चलो मैं इनको लगा लेता हूँ। मैंने ये तार अब लगा लिए हैं। देखिए फ्रेंड्स, बिजली आ गई है। अब हम इसको मोटर में ट्राई करते हैं। एक और बार अच्छे से आप देख लीजिए तार के कनेक्शन को। अब मैं मोटर में लगा देता हूँ। यहाँ पे लगाएंगे रेड और उस साइड में ब्लैक। जो रेक्टिफायर का आउटपुट है उसको लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मोटर एकदम फुल स्पीड में चल रहा है बिना रुके। अगर आप ऐसे ही ट्रांसफार्मर से चलाएंगे तो वो चलेगा नहीं। जैसा कि पहले दिखाया था, मैंने वाइब्रेट कर रहा था, वैसे ही वाइब्रेट करेगा। अभी एकदम परफेक्ट चल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, एकदम परफेक्ट काम कर रहा है हमारा रेक्टिफायर। और तार भी अभी दोबारा देख लीजिए आप अच्छे से। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना।